उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने नालों की सफाई को लेकर नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि शहर के सभी नालों की तली झाड़ सफाई होनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। आज हमने अपन नगर आयुक्त महोदय नगर निगम मुरादाबाद को शहर में जो नाले हैं हमारे उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है और जो मोहल्लों की नालियां हैं हमारी वो अगर आप मीडिया बंधु जाकर वार्ड वार्ड अगर उसका सर्वे करें तो आपको सफाई की हकीकत पता चल जाएगी कि नगर निगम मुरादाबाद द्वारा कितनी बढ़िया सफाई व्यवस्था कराई जा रही है। नालियाँ सड़क के लेवल से मिलकर चल रही हैं, सड़क के लेवल के से भी कीचड़ इसलिए निकाल दी जाती है ताकि पानी सड़क पर आएगा तो पब्लिक बवाल करेगी, वरना कहीं पर भी नाली की सिल्ट नहीं निकाली जा रही है। हमारा कहना यह है जब नाली जिस नाली पे जिस कर्मचारी की ड्यूटी है अगर वहाँ की नाली भरी हुई है तो उसमें जांच किस बात की हो रही है? इसका मतलब उसने काम नहीं किया वहाँ तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी। मुख्य रूप से क्या मांगे रही हैं? मुख्य रूप से हमारी मांग ये है कि अगर कहीं की सफाई व्यवस्था गड़बड़ है तो वहाँ के जिम्मेदार को पनिशमेंट होना चाहिए और वहाँ के इंस्पेक्टर को पनिशमेंट होना चाहिए। किसे ज्ञापन दिया गया? अपन नगर आयुक्त को, हमने नगर निगम मुराद को ज्ञापन दिया है। हमारा एक कहना और है कि मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत, वो स्वच्छ भारत हुआ ना हो मगर यहाँ के जो भारत के खजाने थे वो उन्होंने स्वच्छ कर दिए बिल्कुल।